सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की बिहार राशन कार्ड आवेदन 2021 नया राशन कार्ड कैंप लगाकर बनाने की संबंध में बिहार सरकार की तरफ से आवश्यक सूचना जो है यहाँ पर जारी किया गया है। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी दिया था कि बिहार में जो है यहाँ पर 11.5 लाख राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। 11.5 लाख के जगह पर नए राशन कार्ड बनाने का प्रस्ताव जो है बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को जो है यहाँ पर प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो फाइनली जो है यहाँ पर जो है बिहार सरकार ने जो है बिहार राशन कार्ड 2021 नया राशन कार्ड कैंप लगाकर बनाने की संबंध में जो है यहाँ पर आवश्यक सूचना जो है यहाँ पर जारी कर दिया है। और साथ में एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो है कई डीलरों पर जो है यहाँ पर मामला दर्ज जो है कराई गई है। कई डीलरों ने जो है यहाँ पर राशन वितरण करने में जो है यहाँ पर कालाबाजारी की है और धांधली की है। यहाँ पर अनियमितता बरतते हुए यहाँ पर जो है डीओ के पास जो यहाँ पर शिकायत दर्ज की है सारी लाभार्थियों ने मिलकर। उसके बाद जो यहाँ पर कई डीलरों पर जो यहाँ पर मामला दर्ज कराई गई है और कई पीडीएस दुकान को जो यहाँ पर लाइसेंस को भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। तो सारी खबर को जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों की मैं विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके एवं सरकारी योजना का लाभ उठा सके। देखिए यहाँ पर मैं कुछ दिन पहले मैं आप लोगों की ये नोटिफिकेशन बताया था कि यहाँ पर तैयारी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव, बनेंगे 11.50 लाख नया राशन कार्ड। अब देखिए यहाँ पर नहीं लिया राशन 11 लाख राशन कार्ड को ब्लॉक करते हुए यहाँ पर 11.5 लाख नया राशन कार्ड बनाने के संबंध में यहाँ पर आवश्यक सूचना जारी कर दिया। अब जो यहाँ पर आप लोग की यकीन नहीं होंगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि एक भी पात्र व्यक्ति नहीं छूटेगा, कि बिहार के किसी भी ग्राम पंचायत के कोई भी लाभार्थी यहाँ पर राशन कार्ड से वंचित नहीं रहेंगे, एक भी पात्र व्यक्ति जो यहाँ पर नहीं छूटेंगे। चलिए यहाँ पर जो फटाफट से मैं यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है 30 दिन से जो है बिहार के सभी ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर जो है 12 लाख नए राशन कार्ड के लिए जो है यहाँ पर आवेदन लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रखंड कार्यालय नहीं आ रहे, एमओ ग्रामीण हो रहे परेशान। देखिए 3 दिन से कार्यालय का चक्कर लगा रहे ग्रामीण, लेकिन उन्हें प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का दर्शन जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है। आने की कहने का मतलब यह है कि काफ़ी सारे लाभार्थियों ने जो है अपने ब्लॉक आरटीपीएस काउंटर पर राशन कार्ड बनवाने की चक्कर जो यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पर उन्हें प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का दर्शन जो है एक भी दिन जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का यह दर्द गुरुवार को भी प्रखंड आपूर्ति कार्यालय के समक्ष दीक्षा पदाधिकारी के इंतजार में लोग बैठे थे। बलिया गांव के केदार यादव, छोटी चंदबारी की पमी कुमारी, महापुर गढ़ी गांव के विदेशी यादव ने, दीवा गांव में मिश्र माझी, चरघारा देवाती देवी आदि ग्रामीणों ने बताया कि राशन कार्ड रहने के बावजूद हम लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। इन सभी के अलावा कई ने बताया कि राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया परंतु अब तक राशन कार्ड मुहैया नहीं कराया गया है। 2 दिन पहले कार्यालय पहुंचे थे तो अगले दिन आने की बात कही गई थी, आने की यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लाभार्थियों ने यहाँ पर जो है ब्लॉक आरटीपीएस काउंटर का चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ पर जो है मिलने के बावजूद जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले कार्यालय पहुँचे थे और अगले दिन आने की जो यहाँ पर बात कही, जब दूसरे दिन कार्यालय पहुँचा तो कार्यालय बंद मिला। 10 से 20 किलोमीटर आने के बावजूद हम लोगों का कार्य जो है नहीं हो रहा है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ग्रामीणों से अच्छे तरह से बात तक नहीं करते। कार्यालय जो है कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी भी बराबर गायब रहता है। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से राशन कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर जो है यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि यहाँ पर विशेष शिविर लगाने की यहाँ पर अपील की, आने की यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रामीणों ने जो है यहाँ पर ब्लॉक आरटीपीएस काउंटर का जो है यहाँ पर चक्कर काट रहे नया राशन कार्ड बनवाने के लिए और यहाँ पर अधिकारी जो है अधिकारी से यहाँ पर मिलान नहीं हो रहा है। और यहाँ पर सभी ग्रामीणों ने यहाँ पर साफ साफ जो यहाँ पर जिला अधिकारी से जो है यहाँ पर राशन कार्ड बनाने की जो है यहाँ पर अपील की है कि यहाँ पर विशेष शिविर लगाने की जो यहाँ पर अपील की है, यानी कि कैंप लगाकर नया राशन कार्ड बनाने की यहाँ पर अपील की है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि हम राशन कार्ड नहीं बनाते हैं, जहाँ राशन कार्ड बनता है वहाँ पर ग्रामीण जाए और हाँ अभी मैं बैठक में हूँ, यहाँ पर इतना जो है बात बता दिया। और यहाँ पर सभी ग्रामीणों ने जो है यहाँ पर अपील की जिला अधिकारी से कि राशन कार्ड जो है सभी गरीब लाभुक परिवार को जो है यहाँ पर कैंप लगाकर जो है राशन कार्ड बनाया जाए, क्योंकि जो है यहाँ पर 10 से 12 दिन तक जो है यहाँ पर गरीब लाभुक परिवार जो है अपने नया राशन कार्ड बनवाने के लिए जो यहाँ पर ब्लॉक आरटीपीएस काउंटर का जो है यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों की नया राशन कार्ड जो है बिहार के सभी ग्राम पंचायत में जो है यहाँ पर जो है कैंप लगाकर जो है सभी का नया राशन कार्ड जो है बनाया जाएगा पात्र व्यक्ति का।
और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राशन वितरण में अनियमितता पर जो है डीलर पर जो यहाँ पर मामला दर्ज जो है कराई गई है। अब देखिए यहाँ पर सारी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ जो है यहाँ पर ग्रामीणों के आरोप पर जो है SDO ने दिया था जाँच का आदेश। जैसे यहाँ पर जो है डीलर ने यहाँ पर कालाबाजारी की, धांधली की, यहाँ पर जो है अनियमितता बरती, वैसे जो है यहाँ पर ग्रामीणों ने, सभी राशन कार्डधारियों ने मिलकर यहाँ पर जो है SDO के पास जो यहाँ पर शिकायत दर्ज की। उसके बाद जो है SDO ने यहाँ पर जांच का जो है यहाँ पर आदेश दिया और राशन वितरण में अनियमितता रतनपुर के जन वितरण विक्रेता को भारी पड़ गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जो है जांच प्रांत SDO प्रतिभा रानी ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। उक्त मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बयान पर गिद्धौर थाना में जो है मामला दर्ज करा लिया गया है। SDO ने बताया कि गिद्धौर प्रखंड के अंतर्गत रतनपुर पंचायत के कुराव गांव के ग्रामीणों ने जन वितरण प्रणाली विक्रेता विष्णुदेव रावत द्वारा जो है राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत की थी। जाँच में कोरोना काल के दौरान मिलने वाला नवम्बर का मुफ्त में अनाज तथा दिसंबर का नियमित राशन वितरण नहीं किया गया। यहाँ पर जो है आप लोग को बता देते, यहाँ पर काफ़ी ऐसे डीलर है, काफ़ी सारे डीलर ऐसे हैं जो यहाँ पर नवंबर एवं दिसंबर माह का मिलने वाले मुफ्त में अनाज जो है किसी भी लाभार्थी को यहाँ पर अभी तक वितरण भी नहीं किया है। कुछ कुछ ऐसे डीलर है, आप लोग को मिला है या नहीं मिला है आप लोग वीडियो को नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बाबत जन वितरण विक्रेता से स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण में गुमराह करने के लिए उसने गाँव के युवकों पर चंदा नहीं देने पर जो यहाँ पर झूठ एवं निराधार आरोप लगा दिया। डीलर के इस जवाब की भी यहाँ पर जांच की गई और यहाँ पाया गया कि अनियमितता छिपाने एवं ध्यान भटकाने के लिए जो है डीलर द्वारा जो है यहाँ पर हथकारा अपनाया गया। इसके बाद जो है कार्यपालक दंडाधिकारी मनोज कुमार सिंह को जन वितरण विक्रेता के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराने का यहाँ पर आदेश दिया गया। जाँच में उपभोक्ता झगारू रावत ने तो अगस्त से ही यहाँ पर राशन नहीं मिलने की शिकायत की थी। डीलर ने यहाँ पर पॉस मशीन से नाम गायब हो जाने की यहाँ पर बात कही थी। आने की जैसे यहाँ पर जब यहाँ पर लाभार्थियों ने शिकायत की तो यहाँ पर डीलर का जो है यहाँ पर एक बहाना डीलर ने बनाने लगा कि यहाँ पर जो है उस लाभार्थी का जो है यहाँ पर पॉस मशीन से नाम जो है डिलीट हो गया है, उसका राशन नहीं मिल सकता है। ये जो है बहाना जो यहाँ पर डीलर ने बनाने लगा। इस मामले में बड़ी बात यह थी कि SDO ने जो है उपभोक्ता की शिकायत की क्रॉस जाँच कराई थी। पहले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन लिया गया, इसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह से जाँच कराई गई। दोनों ही रिपोर्ट में अनियमितता की पुष्टि हो जाने के बाद जो है कार्रवाई की गई। यहां यह बताना लाजिमी है कि SDM जो है कि सख्ती के बाद भी जन वितरण विक्रेता अपनी हरकतों से जो है बाज नहीं आते हैं। यहां पर साफ साफ जो है यहां पर SDO के पास जो यहां पर जो है कंप्लेन दर्ज किया गया, शिकायत दर्ज किया गया है। उसके बाद जो है यहां पर जो भी डीलर ने यहां पर राशन वितरण में कालाबाजारी की है, धांधली की है, यहां पर अनियमितता बरती है, उस डीलर का जो है यहां पर लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है और यहां पर उस डीलर पर जो यहां पर FIR दर्ज भी किया गया है और यहाँ पर मामला दर्ज कराई गई है। यहाँ पर ये जो है एक डीलर का एक काम नहीं है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सभी ग्राम पंचायत की डीलर का जो है यही धांधली है। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते कि PDS दुकानदार के विरुद्ध जो है लाभुकों ने किया प्रदर्शन। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते कि इतने लाभुक ने जो है यहाँ पर मिलकर जो यहाँ पर डीलर के खिलाफ जो यहाँ पर प्रदर्शन किया है। गम्हरिया काला पंचायत के बहादुरपुर गाँव के दर्जनों लाभुक ने जो है स्थानीय PDS दुकानदार भागीरथ सर के विरुद्ध जो है 2 माह का राशन नहीं देने का जो यहाँ पर आरोप लगाते हुए लिखित आवेदन के साथ जो प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। आवेदन प्रखंड कार्यालय में जमा किया, वही प्रदर्शन में जो है शामिल नूरजहां खातून यहां पर नाम दिया गया है। यहां पर सहित अन्य ने बताया कि माह दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 का राशन अभी तक जो है डीलर द्वारा नहीं दिया गया है। सभी लोगों ने यह भी बताया कि 27 दिसंबर 2020 के डेट में जो है यहाँ पर पॉस मशीन पर अंगूठा लगवा कर पर्ची निकाल कर दिया गया था। बाद में राशन देने को यहाँ पर कहकर हम लोगों को यहाँ पर खाली लौटा दिया गया। बार बार राशन की मांग करने के बावजूद जो है डीलर द्वारा अभी तक राशन नहीं दिया गया। थक हार कर जो है हम सभी उपभोक्ता शुक्रवार को उक्त डीलर के विरुद्ध जो है प्रखंड कार्यालय में आवेदन जमा किया है और ताकि 2 माह का राशन हम सभी करधारियों को मिल सके। इस बाबत वीडियो आसिफ कुमार ने बताया कि लाभुकों के द्वारा जो है आवेदन दिया गया है, मामले की जांच जो है यहाँ पर की जाएगी। जैसे यहाँ पर मामला की जाँच की जाएगी, स्पष्टीकरण होगी, वैसे जो यहाँ पर इस डीलर को जो यहाँ पर लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, इस पर मामला दर्ज किया जाएगा, FIR भी दर्ज यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर साफ साफ जो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बिहार सरकार ने साफ साफ जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप जो यहाँ पर कोई भी डीलर का अनियमितता एवं धांधली एवं कालाबाजारी जो है यहाँ पर चलने वाले जो है यहाँ पर नहीं है। साफ साफ जो यहाँ पर बिहार सरकार ने यहाँ पर सभी SDO को यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि जो भी यहाँ पर जो है लाभार्थी यहाँ पर शिकायत दर्ज करे उस पर जो है जल्द से जल्द जो है उस पर जो है कार्रवाई की जाए, निगरानी की जाए। यहाँ पर
अगर आप लोग का भी डीलर इस प्रकार से धांधली, कालाबाजारी एवं अनियमितता जो है यहाँ पर बरतती है, तो आप लोग जो है डायरेक्ट अपने SDO के पास जो यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक आदमी से जो है अगर आप शिकायत दर्ज करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर सुनवाई नहीं की जाएगी। यहाँ पर आप लोगों की कम से कम जो है एक ग्रुप बना लेना है, 5 से 10 आदमी का एक ग्रुप बनाकर जो है यहाँ आप लोगों की यहाँ पर SDO के पास जो यहाँ पर आप लोगों की शिकायत दर्ज करना है एक ग्रुप बनाकर। उसके बाद जो है उस डीलर का जो है यहाँ पर बैंड बज जाएगा। तो यही जो है बिहार सरकार की तरफ से बिहार राशन कार्ड आवेदन 2021 के रिगार्डिंग एवं डीलर के खिलाफ जो है एक खबर निकल कर आ रही थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।